बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ शगुफ्ता एंड वेलकम माय चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू मेक टेबल ऑन एक्सेल एंड राइट टेबल फ्रॉम 1 to 10 ऑन एक्सेल और एज यू विश यू वांट टू राइट टेबल। सो आर यू रेडी, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले मैं आपको टेबल बताऊंगी कि टेबल आप इसमें 1 से लेके 20 तक कैसे लेके आ सकते हैं या जहां तक भी आप लाना चाहें तो आप एक्सेल पे टेबल किस तरह से ला सकते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए 2 लिखेंगे, देन इंटर करेंगे, अगेन 2 लिखेंगे। ये फार्मूला है कि हम इस तरह वर्टिकल में 2 मरतबा 2 लिखेंगे और फिर जब थर्ड ये सेल में हम इंटर करके ये कर्सर लेकर आएंगे तो इधर फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल सिलेक्ट फर्स्ट 2 मल्टीप्लाई सिलेक्ट सेकंड 2 और एंटर कर देंगे। ठीक है जी। अब उसके बाद हम 4 के डाउन साइड 1 लिखेंगे और इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल और माउस की लेफ्ट क्लिक से इसके एंड पॉइंट पर माउस लेकर जाएंगे और इसको ड्रैग कर देंगे। आमतौर पर हम हर टेबल 2 से लेके मतलब सॉरी आमतौर पर हम हर टेबल 10 तक ही जो है याद करते हैं, मतलब के या तो हमें जब यूज़ करते हैं तो हम 10 तक ही होता है, लेकिन अगर आप काउंटिंग 12 तक लेके आएंगे तो तमाम टेबल 12 तक आ जाएंगे, 15 तक लाएंगे तो तमाम टेबल 15 तक आ जाएंगे। तो जितना आपको लेके आना है तो हर टेबल के लिए आप एक मर्तबा ये काउंटिंग ड्रैग कर देंगे 1 से लेके वहाँ तक। ठीक है जी। उसके बाद 4 के देखिए डाउन साइड पे हमने काउंटिंग लेके आ गए, 1 लिख के कंट्रोल और माउस की लेफ्ट क्लिक से इसको ड्रैग कर दिया। अब 4 के बराबर में देखिए ये एक में तो 4 के बराबर में हम 1 से लेके काउंटिंग ड्रैग कर देंगे जिसके हमें 1 से जहाँ तक हमें टेबल लेके आने हैं। अब मुझे 1 से लेके बेसिकली 20 तक लेके आने हैं तो हम 1 लिख के इसके एंड पॉइंट पर माउस लेके जाएंगे। देखिए ये 4 के आप राइट साइड पे ही जो है ये आप टेबल जिसके लेके आने हैं तो काउंटिंग ड्रैग करेंगे, ना इस 4 के ऊपर होना चाहिए ना नीचे होना चाहिए वरना आपका फार्मूला सही रिजल्ट नहीं देगा। तो 4 के बराबर में हमने 1 लिखा और कंट्रोल और माउस की लेफ्ट क्लिक प्रेस रखेंगे, एंड पॉइंट पर इस बॉक्स के माउस लेके जाएंगे और ड्रैग कर देंगे। मुझे 1 से 20 तक लाने हैं सो दैट्स व्हाई आई विल ड्रैग टिल 20, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगी, I will select 4 right side and downside all. Except upside 2, 2। देखिए जो 4 के right side है और डाउन साइड है ये पूरा एरिया मैंने सिलेक्ट कर लिया, सिर्फ ये जो 2 ऊपर के वर्टिकल में हमने 2 लिखे थे ये छोड़ दिया मैंने। ये पूरा एरिया हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद डेटा में जाएंगे और वॉट इफ एनालिसिस एंड सिलेक्ट डेटा टेबल। ठीक है जी। फॉर ब्रिंग टेबल यू हैव टू गो डेटा मेन्यू एंड क्लिक वॉट इफ एनालिसिस एंड क्लिक डेटा टेबल। ठीक है जी। सिलेक्ट करेंगे हम डेटा टेबल को, क्लिक करेंगे हम, देखिए इसमें ये आ रहा है, एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी और इसमें ये आ रहा है रॉ इनपुट सेल। तो रॉ इनपुट सेल में आप ये ऊपर वाला 2 सिलेक्ट कर लेंगे। अगेन अब आप यहाँ कर्सर रखेंगे कॉलम इनपुट सेल, देन यू विल क्लिक कॉलम इनपुट सेल एंड सिलेक्ट डाउन साइड 2। ठीक है जी। जब डेटा टेबल हमने क्लिक किया तो ऊपर हमने जो है ना कर्सर रखा और सिलेक्ट कर लिया अपसाइड वाला 2, नीचे हमने कर्सर रखा और सिलेक्ट कर लिया डाउन साइड वाला 2 और देन हम ओके क्लिक कर देंगे। देखिए आप देख सकते हैं कि हर टेबल आ गया, टेबल में देखें ये 2 का टेबल आ गया, 15 की फैसिलिटी तक आया। अगर आप 10 तक काउंटिंग ड्रैग करते तो 10 तक आता। अब हम इसको क्या कर देंगे, देखिए
ये हेडिंग आ रही है सबसे पहले टेबल्स की, तो इसको हम थोड़ा सा वाजे कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा। इसका होम में जाके देखिए, आपको पता है होम मेन्यू में फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है, जिससे हम इसको बोल्ड, इटैलिक, राइटिंग वगैरह सब बड़ी छोटी कर सकते हैं। मैंने ये वर्ड का जब आपको इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें तमाम बार्स पढ़ाई हैं आपको, एक्सेल में भी पढ़ाई हैं, आप मेरे चैनल पर वो क्लासेस मौजूद है, देख सकते हैं। हमने यहाँ से इसका इंक्रीज फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर दिया, ठीक है जी। अब देखिए, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू ब्रिंग टेबल ऑन एमएस वर्ड, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू मेक टेबल ऑन एमएस एक्सेल। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि आप टेबल कैसे लेके आ सकते हैं। अब ये दूसरा हम आपको ये बताएंगे कि आप इस पर टेबल बना कैसे सकते हैं, मतलब कि मेरी शीट है, मैं इसे टेबल की सूरत में लाना चाह रही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए, इसमें ये कुछ ये बॉक्सेस आ रहे होते हैं, ये जो बॉक्सेस हैं देखिए, ये सिर्फ यहीं तक का जो है ना प्रीव्यू है। अगर हम इसका प्रिंट निकालें, जैसे कंट्रोल पी से मैंने जो है ना प्रिंट क्लिक किया, तो ये देखिए प्रिंट आउट में देखिए ये बॉक्सेस नहीं आ रहे हैं हमारे। तो मतलब क्या है, मैं बैक गई कि ये बॉक्सेस हमारे प्रिंट में नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम इस पर टेबल अप्लाई कर देते हैं, जिस तरह टेबल बनाना मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो वो फिर प्रिंट पे भी आएगा। तो हम एक्सेल में एक्चुअली टेबल बनाते किस तरह हैं, तो इसके लिए जितने एरिए पे आपको टेबल अप्लाई करना है, पहले तो ये जो ग्रिड लाइंस आ रही है आपकी हेल्प के लिए होती हैं। अगर आप इसको नहीं देखना चाह रहे हैं, तो आप व्यू में जाके, व्यू मेन्यू में जाके ग्रिड लाइन पर से टिक हटा सकते हैं, ठीक है जी। अब मैं अपना डेटा टेबल की सूरत में लाना चाह रही हूँ, टेबल बनाना चाह रही हूँ एक्सेल में। तो जितने एरिए पे आप टेबल बनाना चाह रहे हैं, उतना एरिया आप सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल और माउस की लेफ्ट क्लिक से, ठीक है जी, क्योंकि सिलेक्ट किए बगैर कोई भी काम आपका नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए, या तो आप पूरे एरिया पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो पूरा एरिया सिलेक्ट कर लें, सिलेक्टेड एरिया पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप फिर सिलेक्टेड एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले देखिए, मैं ये एरिया सिलेक्ट करूंगी, और इस एरिया को सिलेक्ट करने के बाद मैं होम में जाऊंगी, और होम में जाके देखिए ये फॉन्ट के ऑप्शन में ऑप्शन आ रहा है बॉर्डर। अब बॉर्डर में जाकर मैं क्या क्लिक कर दूंगी, ऑल बॉर्डर क्लिक कर दूंगी, ठीक है जी। ऑल बॉर्डर क्लिक करने के अलावा अगर आप चाहें तो ठिक्स बॉक्स बॉर्डर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक बॉक्स बॉर्डर से क्या होगा कि आपका ये एरिया ठीक हो जाएगा, ठीक है जी। अब मेरा जो ये एरिया है, मैं इस पर भी बॉर्डर अप्लाई करना चाह रही हूँ पूरा फुल। अच्छा, देखिए ये एरिया हमारा रह गया टेबल सेलेक्ट करने में, तो हम ये दोबारा से पूरा सेलेक्ट कर देते हैं। जितना एरिया देखिए आप सेलेक्ट करेंगे, उतने ही एरिया पे टेबल अप्लाई होगा। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से जाके सबसे पहले नो बॉर्डर कर दिया, नो बॉर्डर करने के बाद दोबारा मैंने ऑल बॉर्डर कर दिया, और यहाँ से थिक बॉर्डर अप्लाई कर दिया ताकि आउटर एरिया थिक हो जाए, ठीक है जी। अब ये हमने इस पे देखिए टेबल बना लिया। और अगर आप इतने एरिया पे टेबल नहीं अप्लाई करना चाह रहे, एज यू विश, आप इसको नन भी कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं इतने एरिया पे मैं चाह रही हूँ ये वाला टेबल चला जाए, तो आपको अप्लाई करना और हटाना दोनों होना चाहिए। आप इसमें गए दोबारा बॉर्डर में, और यहाँ से आपने नो बॉर्डर कर दिया। अब जो इतना एरिया है, अच्छा ये नो बॉर्डर तो आपने कर दिया, अब इधर मैं जो है ऑल बॉर्डर कर दूंगी ताकि ये एरिया हमारा टेबल के अंदर आ जाए। अब मैं यहाँ टेबल अप्लाई करना चाह रही हूँ, अगर आप पूरे एरिया पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो पूरा एरिया आप सिलेक्ट करके देखिए ऐसे अप्लाई कर दे ऑल बॉर्डर। मैं आपको टेबल की हर तरीके की अप्लाई करने की सिचुएशन बता रही हूँ, और अगर आप पूरे पे नहीं अप्लाई करना चाह रहे हैं, सिलेक्टेड एरिया पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप देखिए मर्ज एंड सेंटर में ये ऑप्शन आ रहा है। मर्ज एंड सेंटर से आप क्या करेंगे, इसको जो है ना मर्ज हटा देंगे, दोबारा से मर्ज हटा देंगे। तो आप देखें, जब आप मर्ज हटा देंगे तो अब आपको जितने एरिया पे अप्लाई करना है, अगर आपको इसको यहीं अप्लाई करना है, तो आप इसको इतना एरिया सेलेक्ट करके आपने मर्ज एंड सेंटर कर दिया, आप इसको देखें ऑल बॉर्डर में यहीं अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको पूरे एरिया पे अप्लाई करना है, तो आप फिर पूरा एरिया दोबारा से कंट्रोल जेड से, देखिए मैं बैक चली गई, मर्ज एंड सेंटर किया मैंने, और ये पूरे एरिया पे मैंने देखिए अप्लाई कर दिया। यहाँ से मैं ऑल बॉर्डर कर दूंगी, ठीक है जी। ये देखिए मैंने यहाँ से ये टेबल हटाया था, तो इसका ऊपर का जो आउटर था वो चला गया। मैं दोबारा से यहाँ से क्या कर दूंगी, इसको ऑल बॉर्डर कर दूंगी।
तो चाहे तो आप पूरा ऐसे सिलेक्ट करके भी ऑल बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे जितना एरिया आप जिस तरह सिलेक्ट करेंगे, आप ऑल बॉर्डर, थिक बॉर्डर अप्लाई करते हैं, आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करते हैं, थिक बॉर्डर आउटसाइड बॉर्डर से थोड़ा बड़ा होगा, राइट बॉर्डर सिर्फ राइट पे आएगा, लेफ्ट बॉर्डर पूरा रेड पूरा राइट पे आएगा, लेफ्ट लेफ्ट पे आएगा, ठीक है जी। तो पूरा बॉर्डर चाहिए तो थिक बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। सो दिस वॉज माई क्लास, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो यू कैन आस्क इन कमेंट, डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर, अल्लाह हाफिज़।